जैसे ग्रामीण परिवेश से जो लोग आते थे वहाँ एक जो जातीय अहम की वजह से मामला ऐसे आते थे, अब एक नया ट्रेंड है। अब पिछले जो भी लोग जो SC ST OBC के लोग हैं या जो माइनॉरिटी के लोग हैं वो जब हायर एजुकेशन में जा रहे हैं तो अब उन लोग का आरोप है और ऐसे मामले लगातार आ रहे हैं कि अब जो शोषण का जो तरीका है, जो भेदभाव का तरीका है, वो इकोनॉमिकल तरीका आ गया है, वो महीन हो गया है। मतलब आपको हायर एजुकेशन में नंबर नहीं दिए जाएंगे, आपको जानबूझ के आपके आपको फेल कर दिया जाएगा, इस तरह के मामले आए हैं सामने। तो ये अब क्या माना जाए? एक तो पहले माना जाता था कि अशिक्षा है, इस वजह से लोग जाती हम में हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ में है, जो जुडिशियरी में हैं, अब वहाँ से भेदभाव की तेज़ी से घटनाएं सामने आ रही है। नहीं, देखिए ऐसा है कि एंटी इंटिजिबिलिटी एक्ट जो था 55 का, और एट्रोसिटी एक्ट जो है जिसमें 23 एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं, उसमें ज़्यादा फोकस जो है ना वो सिविल राइट्स पे है, कल्चरल राइट पे, रिलीजियस राइट पे, थोड़ा बहुत जिक्र इकोनॉमिक राइट का भी है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं है। इसलिए उसके ऊपर स्टडी ज़्यादा हुई है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन आर्थिक और राजकीय स्तर में, राजकीय फील्ड में, एजुकेशन में, हेल्थ में, गवर्नमेंट स्कीम में, इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं गया, क्योंकि वो हिस्सा उस एक्ट का नहीं है। अब हमने काम किया है तो इसका मतलब ये नहीं था कि इकोनॉमिक्स में डिस्क्रिमिनेशन था नहीं, इसका मतलब इतना ही है कि इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर अभ्यास नहीं हुआ, स्टडी नहीं हुई, इसलिए लोगों को मालूम नहीं हुआ। जब हमने किताब लिखी इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, तो एकदम सामने आया कि बेरोजगारी में भी डिस्क्रिमिनेशन है। अभी आशिम प्रकाश की ऑक्सफोर्ड से किताब आई है, 90 दलित इंटरप्रीन्योर्स है, प्राइवेट इंटरप्रीन्योर, उनको कैसे डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, सामान लेने में, सामान बेचने में, कर्ज लेने में, वो किताब में लाया हुआ है। तो डिस्क्रिमिनेशन ऐसा नहीं कि सिर्फ सोशल और कल्चरल और रिलीजियस में है, डिस्क्रिमिनेशन सब फील्ड में है। सवाल यह है कि इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन, राजकीय क्षेत्र में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, अब जो दलित सरपंच है, उप सरपंच है, दलित महिलाएं हैं, उनको बहुत सारे एग्जाम्पल है कि उनको काम करने नहीं देते, हरेसमेंट होता है, वो अभी आया नहीं जितना आना चाहिए क्योंकि स्टडी नहीं हुई, समझ रहे। उसी तरह ये जो नॉन मार्केट इंस्टीट्यूशन है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, स्कूल है, हेल्थ है, फूड सिक्योरिटी स्कीम है, PDS वाली शॉप शॉप है, नगर नरे नगरेगा नरेगा है, इसको हमें लगता है कि इसके डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, वो गलत है। वो अब जैसे जैसे स्टडी आ रही है उसमें ये पाया जा रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन हेल्थ में भी होता है, डिस्क्रिमिनेशन फूड सिक्योरिटी में भी होता है, डिस्क्रिमिनेशन हायर एजुकेशन स्कूल एजुकेशन में भी होता है। तो ये अब सारा बाहर आ रहा है। जो डिस्क्रिमिनेशन हाई कास्ट हिंदू जो करता है, बहुत सारे जो करते भी नहीं, वो डिस्टिंक्शन थोड़ी करता कि मैं सोशल फील्ड में करूँगा और इकोनॉमिक्स में नहीं करूँगा, पॉलिटिक्स में नहीं करूँगा या एजुकेशन में नहीं करूँगा। कायदा अपनी जगह होता है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन की प्रवृत्ति हर एक फील्ड में रिफ्लेक्ट होती है। लेकिन अब वो जो सोशल साइंटिस्ट है वो एक हिस्से पे जोड़ दिया, दूसरे हिस्से पे दिया नहीं। अब बाहर आने लगा तो हमें शॉक लगने लगा कि भैया ये क्या है, यहाँ यहाँ पर कैसे एजुकेशन व्यवस्था, पढ़ा लिखा आदमी तो डिस्क्रिमिनेशन करता नहीं। शिक्षा का और डिस्क्रिमिनेशन का कोई कनेक्शन थोड़ी होता है भैया, पढ़ा लिखा आदमी भी डिस्क्रिमिनेशन करता है ना। अमेरिका कितना पढ़ा लिखा है, 90% लिटरेसी, 100% लिटरेसी है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, कलर डिस्क्रिमिनेशन है। लेकिन सर अमेरिका और आप यूरोप की बात करें तो जब वहाँ जब जिस तरह से सोशलिज्म आया या फिर कैपिटलिज्म में भी आया, तो लेकिन जो रंग के आधार पर जो भेदभाव थे उसके प्रति उन लोगों ने सजगता दिखाई है जो श्वेत थे, उन्होंने अश्वेतों की लड़ाई लड़ी। लेकिन आप भारत के परिप्रेक्ष्य में इन सब चीज़ों को देखते हैं तो ऐसा कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं दिखता है जो उन लोग जो जो जिनको शोषण के लिए जिम्मेदार ठहराया गया उनमें सामाजिक बदलाव हो, पढ़ाई लिखाई की वजह से बदलाव हो और वो इन सब चीज़ों के खिलाफ बोले, ऐसे हालात बन नहीं रहे। नहीं, ये बात सही है कि एक अच्छे तरीके से जो व्हाइट लोग है वो मार्टिन लूथर सिंह के साथ और ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने रेसिज्म स्लेवरी के खिलाफ काम किया है। हमारे इंडिया में भी है, ऐसी ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर साहब की जब मूवमेंट चली तो उनके साथ बहुत सारे ब्राह्मीन और नॉन दलित थे। मनुस्मृति जब जलाई गई 2027 में महा टाउन में, तो मनुस्मृति के वो पन्ने जिसमें अनटचेबल के बारे में गलत लिखा है, महिलाओं के बारे में, वो तो एक सहस्त्रबुद्ध साहब थे जो पंडित थे, उन्होंने किया है तो है। लेकिन ये बात भी आपकी सही है कि जितने तादाद पे, जितने लेवल पे नॉन दलित और हाई कास्ट कास्ट के इश्यू को लेके आगे आना चाहिए और मिलना चाहिए, उतना नहीं हो पाता। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, NGO ले लीजिए, फंडिंग एजेंसी ले लीजिए, मेरी अपनी किताब,
किताब है फंडिंग एजेंसी पे, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिविल सोसाइटी जो है, हिंदू सिविल सोसाइटी है का सिविल सोसाइटी जो है, वो जात का इशू, अनटचेबिलिटी का इशू जो लेना जितने तरीके से लेना चाहिए उतने तरीके से उसके ऊपर तवज्जो है नहीं। पावर्टी पे है, चाइल्ड लेबर पे है, कोई भी इशू ले लीजिए, जेंडर वायलेंस पे है, इस पे है, लेकिन अनटचेबिलिटी कास्ट का जब इशू आता है तब वो उनका मुद्दा नहीं बनता है। कुछ लोगों का बनता है लेकिन ज़्यादातर बनता नहीं। आप बहुत सारे लोग हैं जो जो कानूनी प्रक्रिया है, जो संवैधानिक हक मिला उसकी वजह से मेन स्ट्रीम में आए हैं, लेकिन जब उनसे एक तरह की बात की जाती है तो उनको उन लोगों का कहना है कि जब जो डाइवर्सिटी होनी चाहिए थी समाज में, जो भागीदारी होनी चाहिए थी, आज भी SC ST OBC की टोटल भागीदारी देखे तो वो 12 से 15% से ज़्यादा आगे बढ़ती दिख नहीं रही, जबकि बहुसंख्यक आबादी देश में उनकी है। एक तो वो बात है, तो उसकी क्या वजह मानते हैं, कि इम्प्लीमेंटेशन में गड़बड़ी हो रही है या जो रिसोर्सेज है वो सही जगह पहुंच नहीं रहा? दोनों बातें हैं। एक तो ये है कि हिस्टोरिकली उनको संपत्ति से दूर रखा गया, अनटचेबल को पर्टिकुलरली, कुछ हद तक OBC के कुछ तबकों को भी रहे, तो उत्पन्न के जो साधन हैं, जमीन है, कारखाने हैं जिससे आपकी प्रगति हो सकती है, बिजनेस है, तो आपके पास लैंड का एक्सेस नहीं, कैपिटल का एक्सेस नहीं। दूसरा ये जो है कि आपके पास ये भी नहीं है, लेकिन एजुकेशन हो, एजुकेशन के थ्रू एम्प्लॉयमेंट में जाके आप अपनी तरक्की करें तो वो हो सकता है, लेकिन एजुकेशन पे बंधन थे तो एजुकेशन लेवल भी आज उनकी बहुत कम आए, और जब बाहर आते हैं एजुकेशन लेके तो एक रिजर्वेशन ही एक जरिया है। बाकी प्राइवेट सेक्टर में भी उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस तो करना पड़ता है, तो और जिसमें रिजर्वेशन है उसमें एम्प्लॉयमेंट का प्रोपोर्शन बहुत कम है। आज यदि आप टोटल जॉब ले ले, सरकारी और प्राइवेट इस वो जॉब ले ले, तो उसका सिर्फ 18 या 20% ही सरकारी है जिसमें रिजर्वेशन है, और उसमें भी अब वो कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोपोर्शन 40% के करीब हो रहा है जिसमें रिजर्वेशन होता नहीं है। तो एक छोटा सा टाइनी सेक्टर है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का जिसमें रिजर्वेशन है, बाकी जो आपका 80% है वो प्राइवेट है, जहाँ उनको जॉब तो मिलती है लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में मिलती है, बहुत जगह डिस्क्रिमिनेशन भी है प्राइवेट सेक्टर में। तो ये दोनों कारण हैं कि उनके पास जो प्रगति के लिए जिन साधनों की ज़रूरत है वो हिस्टोरिकली उनको डिनाई किए गए इसलिए कम है, और दूसरा जब भी वो मार्केट में जाते हैं अपॉर्चुनिटीज़ के लिए या नॉन मार्केट में जाते हैं वहाँ उनका डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो उनके डुअल प्रॉब्लम है दलितों के पर्टिकुलरली और कुछ हद तक OBC के भी, तो उसके वजह से उनकी हाल वो एक क्रॉनिकली पुअर रह जाते हैं। वो दो टर्म में एक तो SC ST को आरक्षण मिला और फिर मंडल कमीशन ने OBC को आरक्षण दिया, लेकिन जितना कैंपेन चलना चाहिए था उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए को वो चला नहीं, और जो भारत में खासकर जो एंटी रिजर्वेशन जो 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 बातें हैं वो मीडिया के माध्यम से, और चूंकि जो जिन जो रिजर्वेशन के पक्ष में जो लोग नहीं हैं उनका एक पकड़ है, वो लीड करते हैं सोसाइटी में, तो आपको लगता है कि आज के समय में जबकि एक सोशल जस्टिस के लिए था, डाइवर्सिटी के लिए था, लेकिन ज़्यादा एंटी रिजर्वेशन कैंपेन ज़्यादा हावी दिख रहा है? एक बात तो मैं पहले कह दूँ कि रिजर्वेशन जो है वो सक्सेसफुल हुआ है जितना भी लिमिटेड लेवल पे है। रिजर्वेशन कितने जगह पे, एजुकेशन में है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में है, उसके बाद पॉलिटिक्स में है, पब्लिक हाउसिंग में भी थोड़ा है, तो कोई भी स्टैटिस्टिक ले लीजिए रिजर्वेशन पूरा हो गया। आप गवर्नमेंट जॉब देखिए तो वो 16-8% की रेंज में होते हैं, पॉलिटिक्स में भी तो बिल्कुल क्लियर ही होता है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भी रिजर्वेशन मिल जाता है। तो एक तो रिजर्वेशन हो रहा है, बाय एंड लार्ज पॉलिटिकल लेवल पे व्हील है, पॉलिटिकल लेवल का मैं बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज और पार्लियामेंट, उन्हीं का सपोर्ट होने की वजह से रिजर्वेशन कायम भी है और सपोर्ट भी मिलता आ रहा है। सिविल सोसाइटी में जो सिविल सोसाइटी, जो हाई कास्ट सिविल सोसाइटी है पर्टिकुलरली, वो अभी भी उनकी विरोध करते रहते बीच बीच में। अब आप देखेंगे कि एंटी पावर्टी पॉलिसी से इसको विरोध नहीं होता, उसका वेलकम किया जाता है, लेकिन जो अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी जो भी एक एंटी पावर्टी पॉलिसी है जिसके तहत आप शेड्यूल कास्ट को जॉब दे रहे हो, नौकरी दे रहे हो, एजुकेशन दे रहे हो, पॉलिटिक्स में शेयर दे रहे हो जो नॉर्मल कोर्स में नहीं आ सकता, वो लाते हैं तो उसको विरोध होता है, और वो एक सबके सिग्निफिकेंट तबका है जिसका होता है, सभी की तरफ से नहीं, तो वो उसका कारण जो है वो मैंने कोशिश की है रिसेंटली, उसमें ये है कि देखिए मोटी मोटी सही बात यह है कि जाति व्यवस्था ने उच्च जाति को इकोनॉमिक और एजुकेशनल पावर दिया है और हाई सोशल स्टेटस दिया है। अब वो है घटना ने वो निकाल लिया, सबको समान संधि दी,
और संधि नहीं दी तो नीतियाँ बनाई, रिजर्वेशन जैसी पॉलिसी बनाई, उससे वो प्रिविलेजेस जो एंजॉय करने की हमारी आदत थी वो प्रिविलेजेस हमारे धीरे धीरे कम हो रहे हैं। वरना क्या है भाई, 17% 16% सीटें यदि किसी यूनिवर्सिटी में शेड्यूल कास्ट को जा रही तो उसका सीधा सीधा हिस्सा है कि 16% औरों को नहीं जा रही है। जब ओबीसी का रिजर्वेशन आया 27% का तो सीधा था कि 27% आप ले रहे तो 27% हमारा कम हो रहा है। इसलिए मैं यूजीसी का चेयरमैन था उस ज़माने में, तो अर्जुन सिंह ने कहा कि भाई ठीक है हम एडिशनल 27% उसमें दे देंगे, तो एक टाइम बींग तो उनको खुश कर दिया। बात सही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसका तरीका ये नहीं कि आप रिजर्वेशन को विरोध करो। आप ये कहो कि ज़्यादा कॉलेज खोले, ज़्यादा यूनिवर्सिटी खोले कि उनको भी सबको एडमिशन मिले, लेकिन दलितों के एडमिशन के लिए आपको विरोध क्यों है जिनको हिस्टोरिकली एजुकेशन राइट मनाया किया जा रहा है। और एक्सपांड करने की डिमांड करनी चाहिए कि साहब 27% कम हो रहा तो और आप कॉलेज खोलो, यूनिवर्सिटी खोलो, और जिसको 27% को नहीं मिल रहा उसको एडमिशन दे दो, लेकिन दलित को भी दे दो, ओबीसी को भी दे दो। ये भूमिका जो है वो सही है, लेकिन वो नहीं है, क्योंकि दिमाग में ये है कि ये तो हमारा एरिया है, ये तो हमारा प्रिविलेज है हिस्टोरिकली, और उसके ऊपर अब इंक्रोचमेंट किया जा रहा है, हमें कंपटीशन किए जा रही है, वो भी नौकरी में आएंगे, वो भी पॉलिटिक्स में आएंगे, वो भी एजुकेशन में आएंगे। मुझे लगता है फियर ऑफ लूजिंग द प्रिविलेजेस एंड मटेरियल गेन इज द क्रक्स ऑफ अपोजिशन। सोशल स्टेटस भी है, सोशल स्टेटस उतना नहीं है, लेकिन मटेरियल गेन जो है वो सही फियर है, वो डर है कि हमारी स्पेस जा रही है। तो मतलब एक आप समाज वैज्ञानिक हैं, तो अगर हम इस तरह से बात करें, आप एक ऐसे समाज के बारे में कल्पना कर रहे हैं या एक ऐसा समाज चाहते हैं जहां बराबरी ना हो, लैंगिक भेदभाव हो, सामाजिक भेदभाव हो, जातीय भेदभाव हो, और उसके बाद भी आप ये कहते हैं कि नहीं हम पढ़े लिखे समाज हैं, हम बेहतर समाज हैं, हमारी सभ्यता बेहतर है, तो ये कितना कंट्राडिक्टरी है? क्या वो लोग जो समाज में रूल कर रहे हैं उनके अंदर इतनी समझ विकसित नहीं होती, जबकि वो देश के दुनिया के तमाम बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं, सोशल साइंस पढ़ के आते हैं, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं, लॉ पढ़ते हैं, कानून पढ़ते हैं, पूरी दुनिया का जो पोस्टमॉडर्नाइजेशन में जो रूल रेगुलेशन है उसको पढ़ते हैं, तो क्या वजह है कि एक क्या वो परंपरागत उनकी सोचने का जो उनका तरीका है वो वजह है जो उनको बदलने के लिए बदलने से रोकता है? नहीं देखिए, इसके ऊपर तो अंबेडकर साहब ने बहुत अध्ययन किया कि साहब डिस्क्रिमिनेशन आदमी क्यों करता है, उसका आधार क्या है। उसका आधार तो मैंने आपको बता दिया, वो ये है कि मैंने प्रिविलेजेस अपने लिए अपने समाज के लिए बनाए थे और इसलिए मैं औरों को दूर रखता हूँ। डिस्क्रिमिनेशन क्या है? औरों को दूर रखना है, अलग रखना है, तो प्रिविलेजेस के लिए मेंटेन करने के लिए डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। डिस्क्रिमिनेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेंटेनिंग योर ओन प्रिविलेजेस, लेकिन इसका रूट का वहाँ से भी आ रहा है ना, धार्मिक संकल्पना से भी आ रहा है। इसलिए एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि भाई हाई कास्ट एज ए पर्सन, ब्राह्मीण एज ए पर्सन को आप क्रिटिसाइज मत करो, व्यक्ति का कोई इसमें दोष नहीं। जिस विचारधारा और जिस संकल्पना के तहत वो डिस्क्रिमिनेशन करता है वो संकल्पना को आप विरोध करो, और वो संकल्पना जो है रिलीजियस सोशल आइडियोलॉजी से आ रही है तो उसके ऊपर आपको अटैक करना चाहिए। अच्छा, उसके लिए आपको मूवमेंट चलानी होगी कि भैया ये गलत है, वो मूवमेंट आपको नज़र नहीं आती। वो मोमेंट चलाई लोअर तबके ने, उसी के वजह से जो आज घटना में जो बदल आया है, तो घटना के समानता के प्रिंसिपल के आधार के ऊपर ये सब चल रहा है। समाज में भी अलग अलग माध्यम से भी इसमें घटोत्री आ रही है। एजुकेशन जो है उसकी अपनी लिमिटेशन है, फिर भी एजुकेशन प्रोग्रेसिव है, वो नए विचार लाता है। पॉलिटिक्स हमारा जो है जाति के आधार पर बहुत हद तक है, लेकिन वो भी उसमें भी सेकुलर एलिमेंट है। नेशनल इकोनॉमी जो है उसमें भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होगा, लेकिन वहाँ मेरिट चलता ही है। प्राइस के बेसिस के ऊपर आप चीज़ें लेते हो, प्राइस के बेसिस पर चीज़ें बेचते हो, तो बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस है जो कास्ट को ब्रेक कर रही है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ प्रोसेसेस जो है जो मुझसे रिलेट है, इंडिविजुअली रिलेट है, वो मैं छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि उसमें मेरे स्वार्थ भी है और कुछ संकल्पना भी है जो मैं धर्म से ड्रॉ करता हूँ, धार्मिक सामाजिक विचार से ड्रॉ करता हूँ। तो उसके लिए सोशल मूवमेंट की ज़रूरत होगी। आज जितना मैं समझता हूँ दूसरे मुद्दों पे जितनी आज आंदोलन चल रहा है उतना जाति के खिलाफ नहीं चल रहा है, इतना मोबिलाइजेशन जाति के खिलाफ नहीं हो रहा है, समझे ना? ये एकदम तो, मतलब लोग एक 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 मतलब फैशन सा हो गया है कि जो जो जुडिशियरी हो या यूनिवर्सिटीज़ हो, गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब हो, प्राइवेट सेक्टर की जॉब हो, वहाँ
एक बोला नहीं जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, और एक फैशन हो गया, वो कह देते हैं कि नहीं नहीं हम तो जातिवादी हैं ही नहीं, हम तो डिस्क्रिमिनेशन करते नहीं हैं। लेकिन सच्चाई है कि आज भी बड़े पैमाने पर और जो मेन स्ट्रीम में लोग पहुंच रहे हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। आपका कोई ऐसा अनुभव रहा हो, चूँकि आपने ज़िंदगी में इतने सारे एकेडमिक्स में रहे, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रहे, आप UGC में रहे, ICSR में हैं, तो कोई एक व्यक्तिगत अनुभव जिससे लगता हो कि हाँ मतलब आप कई बार आपको इस तरह के रास्ते में अवरोध किया जाता है? अरे भैया, जब सामाजिक व्यवस्था और गांव जिसमें जातीयता इतना गहनता से बैठा हुआ है, वहाँ तो एक्सपीरियंस होगा ही होगा, कोई नई बात थोड़ी है। हम गांव से आए, पहली से तीसरी क्लास तक स्कूल में जाते थे तो स्कूल मंदिर में थी तो हमें अलग बिठाया जाता था। उच्च जाति के लड़के भगवान के नज़दीक बैठते थे तो वो तो डिस्क्रिमिनेशन था। गांव में कुएं में एंट्री नहीं थी, गांव में मंदिर में एंट्री नहीं थी। बाद में 1955 के बाद जब एक्ट आया तो गवई साहब, वो जो गवर्नर थे बिहार के, वो आए, उन्होंने कायदा लाया और कुएं को खोलने की कोशिश की। कॉलेज में थे तो हमें याद है, हमें उनको पता चला कि ये दलित है तो कमरा वापस ले लिया जो किराए पे हमने लिया था। तो ये कास्ट के एक्सपीरियंस है तो डे टू डे बेसिस पे सोशल लाइफ में बनता ही है। मैंने कभी अभी किसी को शेयर नहीं किया कि मैं प्रोग्रेसिव इस तरह से आदमी हूँ कि उसका कैपिटल नहीं बनाता। लेकिन मुझे याद है कि जब मैं UGC का चेयरमैन बना, परहैप्स आई वॉज काफ़ी डिग्रियाँ भी थी, ऐसी बात नहीं है, एक नाम भी था। तो मैं जब UGC के ऑफिस में गया तो 8 दिन के बाद मुझे एक फ़ोन आया, 5-6 दिन के बाद शायद, तो एक महिला थी तो उसने हिंदी में कहा कि भई ये अब ये ज़माना आ गया कि एक चमार हमारे ऊपर राज करेगा। तो 5-6 दिन तक समझ में नहीं आया मुझे। तो ये है, शिक्षा से कोई आपका डिस्क्रिमिनेशन दूर होता है ऐसी बात नहीं है। लेकिन चूंकि मैं सोशल साइंटिस्ट हूँ, कास्ट पे स्टडी किया हूँ, मैं उस महिला को और हिंदूवादी प्रवृत्ति को समझता हूँ कि वो इसकी शिकार है, इसलिए उसको मैंने अलग तरीके से ले नहीं लिया। अपने आप को हर्ट तो हुआ लेकिन इस तरह से नहीं किया मैंने कि उसके प्रति कुछ करूँ। मैंने प्रॉब्लम को समझने की कोशिश की कि भाई सारे हिंदू जो है, जो हाई कास्ट हिंदू, वो शिकार है उनकी विचारधारा के, इस कॉन्टेक्स्ट में लिया। तो डिस्क्रिमिनेशन को तो हमने जीवन के हर एक पहलू में लिया भैया, एज ए प्रोफेसर भी लिया, एज ए सिटीजन भी लिया। ये तो मैंने कुछ आप किससे सुना है, और ये ऑब्स्टेकल तो बनता ही है तरक्की में, सवाल ही नहीं। आप JNU में रहे, लेकिन लेकिन सोसाइटी, इस समाज जी, ये यही है कि जिसके वजह से शिक्षा भी की मैंने, JNU में भी पढ़ा, JNU में जॉब भी मिली, UGC का चेयरमैन भी वहाँ बाहर गया, ये विकास का पॉजिटिव हिस्सा भी है। ये लोग भूल जाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने और सरकार ने जो एक सेकुलर तरीके से समाज को और सरकार को चलाती है, उसका फायदा भी हो रहा है, उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, नहीं जो लेकिन सुखदेव नेगेटिव एस्पेक्ट भी कंटिन्यू कर रहा है। सुखदेव थोराट ने जो गेन किया, जो वो रहे, वो तो उनकी मेहनत थी, समाज ने उसको जो रोका वो भेदभाव था। हाँ, लेकिन समाज ने कुछ अपॉर्चुनिटी भी दी, ऐसा नहीं है, लेकिन वो मुझे क्रिएट करनी पड़ी, जो अपॉर्चुनिटी थी उसमें हिस्सा जाना पड़ा, जिसको पेविंग द वे कहते हैं ना, रास्ता अपना बनाया उसमें, तो साथ में सपोर्ट भी मिला, ऐसी बात नहीं है कि PhD की तो सपोर्ट मिला, हाई कास्ट सुपरवाइज़र थे, ठीक है ना, टीचर भी हाई कास्ट थे। JNU में वो जब मैं PhD ख़त्म हुई तो वो प्रो वाइस चांसलर थे, उन्होंने सीधा हमें कहा भी आप JNU ज्वाइन कर लीजिए, उसके लिए बढ़ा दी चाहिए, मुनीस रजा साहब थे तो हम अपॉइंटमेंट हुई। तो ऐसा नहीं, एक तबका कलीग का वो भी है, कुछ कलीग का वो भी हिस्सा है जिसमें सपोर्टिव रह के हमने काम किया है। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा आपको कि दलित जो व्यक्ति होता है या टीचर की बात की जाए, उसके रास्ते सीधे नहीं है, सपोर्टिंग करने वाले भी होते हैं लेकिन उसको रास्ता निकालना होता है, उसको वो प्रिविलेजेस और वो कोऑपरेशन नहीं मिलता जो हाई कास्ट को मिलता है, उसको मेहनत करनी होती है। और मैं मुझे मालूम है कि कितने दलित टीचर फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं कि उनकी हैंड होल्डिंग होती नहीं, सपोर्ट नहीं मिलता है। तो डिस्क्रिमिनेशन हर जगह है, ऐसा नहीं है।